आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पाकसाल में। तो आज की रेसिपी है दही परवल, या हम इसको उड़िया में एंड बंगाली में दही पोटल बोलते हैं। परवल को एक्चुअली उड़िया में एंड बंगाली में पोटल बोल के बोला जाता है। तो उड़िया एंड बंगाली कुजीन में दही को यूज करके बहुत सारा रेसिपीज बनाए जाते हैं। मेनली जैसे टैंगी रेसिपीज हुआ, या फिर करीज में भी बहुत यूज होता है। बट मेनली जैसे बाकी जगह चिकन बिरयानी प्रिपरेशन में कर्ड बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली यूज होता है, बट उड़ीसा में बहुत सारे रेसिपीज, नॉर्मल रेसिपीज में भी कर्ड यूज होके रेसिपी बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं ये जो दही परवल है या फिर दोई पोटल है कैसे बनता है। तो लेट्स एक्सप्लोर। सबसे पहले हमें चाहिए होगा परवल 10 से 12, मस्टर्ड ऑयल, ओनियन पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, टर्मरिक पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, चिली पाउडर एंड लास्टली सॉल्ट। तो सबसे पहले ये रेसिपी बनाने के लिए हमें परवल चाहिए, जो कि मैंने पहले से धो लिया है और अभी हम इसको एक पर्टिकुलर वे में काटेंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, मैंने दोनों तरफ से उसका पॉइंटेड जो साइड है वो निकाल लिया है और अभी हम इसके ऐसे बीच में वर्टिकली हम 3 से 4 जगह पे ऐसे उसका स्किन जो है निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से उसका थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके ऐसे स्किन निकाल लीजिए। स्किन निकालने के बाद हमने जहाँ से स्किन निकाला है हम ऐसी तरह छुरी से उसको ऐसे छेद कर लेंगे। तो ये पर्टिकुलर वे में ही हमें काटना पड़ेगा परवल को। द रीज़न, अगर हम ऐसे नहीं काटते हैं तो हमारा जो मसाला है या फिर जो फ्लेवर है करी का, वो अंदर तक नहीं जाएगा। तो आप प्लीज़ इसी वे में ही परवल को काटिए। इसी तरह चलिए मैं आपको और एक दूसरा भी परवल काट के दिखा देती हूँ। तो हमने यहाँ पे दोनों साइड निकाल लिए हैं। अभी हम इसको ऐसे वर्टिकली उसका जो स्किन है 3-4 जगह से थोड़े थोड़े डिस्टेंस में निकाल लेंगे और वो स्किन निकालने के बाद हम वहीं पे ही ऐसे छुरी से छेद कर लेंगे। और इसी तरह हम हमारे सारे जितने परवल हैं वो काट के रेडी कर लेंगे। तो हमारे सारे परवल कट के रेडी हो गए हैं। अभी हमें इसमें थोड़ा सा हल्दी, ऑलमोस्ट 1/2 टीस्पून ऑफ हल्दी और 1/2 टीस्पून ऑफ नमक एंड नेक्स्ट 1/2 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च, ये सब डाल के हमें मिला लेंगे हम इसको। तो ये सब अभी मिला के हम इसको तल लेंगे। तो अभी आपने जैसे देखा हमने सारा मिला लिया है। अभी मैं कढ़ाई में थोड़ा मस्टर्ड ऑयल जो है वो ऐड कर दी हूँ। आप उतना तेल ऐड कीजिए जितना कि हमारा परवल उसमें अच्छे से तल पाए। तो अभी मैंने यहाँ पे परवल जो है हमारे वो मैंने डाल दिया है। अभी इसको हम लो फ्लेम में ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन होना जाए और अच्छे से पक ना जाए। तो आप इसको लो फ्लेम में ही रखिए। हाई फ्लेम करेंगे तो वो बाहर से तो पक जाएगा पर अंदर उसका कच्चा रह जाएगा। और बीच बीच में आप ऐसे चलाते रहिए और उसको ऐसे पलटते रहिए ताकि उसके वो चारों तरफ से अच्छे से पक पाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा परवल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अभी हम इसको एक प्लेट में निकाल के साइड वाइज रख लेंगे। उसी कढ़ाई पे अभी मैंने 1 टीस्पून ऑफ हल्दी ऐड कर दिया तेल में। आप चाहे तो तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर डाला और अभी 2 से 3 टेबलस्पून ऑफ ओनियन पेस्ट, इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट, वो भी मैंने वही 2 से 3 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अभी हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और मसाले से तेल छोड़ने तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। अभी मैंने इसमें ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर, उसके बाद मैंने ऐड किया 1 टीस्पून ऑफ धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक एज पर द टेस्ट। आप नमक का क्वांटिटी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी हम इसको धीमी आँच में 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि इससे तेल ना छोड़े। तो अभी आप जैसे देख सकते हो हमारा जो मसाला है वो तेल छोड़ने लगा है। अभी इसमें हम हमारा जो दही लिए हैं वो हम अभी ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे 1 कप ऑफ दही लिया है और उसको अच्छे से बीट कर लिया है। अब दही को पहले से ही अच्छे से बीट कर ले, वरना वो
रेसिपी को बिगाड़ सकता है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो मैंने दही मिला लिया है और अभी हम इसको बहुत अच्छे से ऐसे मिलाएंगे ताकि उसमें कुछ लंप्स ना रहें और अलाउ करेंगे कि हमारा मसाला और थोड़ा अच्छे से भुन जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो दही डालने के बाद भी हमारा मसाला अच्छे से रेडी हो चुका है और उसमें से आप अभी जैसे देख सकते हो ऊपर तेल भी छोड़ने लगा है। तो हमारा मसाला रेडी हो गया है। अभी इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ऑलमोस्ट 1 कप ऑफ पानी ऐड किया है। ये जो रेसिपी है थोड़ा इसमें ग्रेवी रहता है तो ज़्यादा थिक नहीं करेंगे हम ग्रेवी को, तो इसीलिए मैंने थोड़ा पानी ऐड किया। अभी हम इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक उसको पकाएंगे। तो अभी आप जैसे देख सकते हो इसमें बहुत अच्छा सा एक उबाल आ चुका है और अभी हमारे जो हमने परवल तल के रखे थे वो अभी हमने डाल दिया है। परवल डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे और फिर से अभी हम इसको एक अच्छा सा उबाल आने तक 5 से 10 मिनट लो फ्लेम में हम अभी पकाएंगे ताकि हमारा जो दही और मसाले का फ्लेवर है वो परवल के अंदर बहुत अच्छे से जाए। तो अभी आप जैसे देख सकते हो ऑलमोस्ट 10 मिनट हो चुका है और हमारा जो करी के ऊपर भी एक तेल का लेयर आ चुका है। तो हमारा जो करी है रेडी है, अभी हम इसको और नहीं पकाएंगे, गैस अभी बंद कर लेंगे। तो आपने देखा कितना सिंपल सा रेसिपी है ये, होपफुली आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के एपिसोड में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए आप मुझे मेरे सोशल अकाउंट्स में फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जो भी मेरा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तुरंत ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।